तो हेलो गाइस, यहाँ पे जयपुर में हम जो एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है उसकी कवरेज लेने आए हैं और यहाँ बच्चों से ही जानेंगे कि यहाँ पे कितना तगड़ा प्रोटेस्ट चला था, लेकिन प्रशासन द्वारा दबा दिया गया। महिला एम्पावरमेंट के दिन, महिला दिवस के दिन महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई, लेडी कांस्टेबल वहाँ मौजूद नहीं थी, फिर भी ये सब किया गया। तो जानते हैं इन्हीं से ही, चलिए आपके साथ क्या हुआ बताइए जरा। सर, हम लोग एकदम शांति से आ रहे थे और एक एक करके आ रहे थे, ऐसा भी नहीं है कि हमने ट्रैफिक में हम घुसे हो। उन्होंने जैसा बोला हम ऐसा कर रहे थे। स्टार्टिंग में लेडी कांस्टेबल आई और वो वहाँ से निकल लिए, फिर हम आराम से आ रहे थे। इतने में हमारे तीन चार हमारे साथ में जो लड़के लोग थे उनको उन्होंने पकड़ लिया, फिर हमारे दो टीचर थे उनके साथ उन्होंने बदसलूकी की। तो एक हमारे साथ का कोई लड़का जब वीडियो बना रहा था तो उस लड़के को तो उन्होंने डंडे से भगाया, तो मैंने कहा ठीक है मैं बना लेती हूँ। जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगी तो उसने मेरी तरफ डंडा यूँ हाथ से यूँ किया, तो मैं पीछे हट गई, लेकिन उसको ये पता था कि मेरा फोन यूँ वीडियो बनाते हुए ऊपर था, तो उसने क्या डंडा था वो नीचे मेरी पेट की तरफ यूँ किया। तो जैसे ही मैंने उस डंडे को पकड़ने की कोशिश की तो वो डंडा मेरे हाथ में यहाँ और एक स्टूडेंट और है जिनके यहाँ पे इस स्टूडेंट के इतना बड़ा घाव दिया गया है बाकायदा तौर पे, ये इनके बहुत बड़ा लगा हुआ है, बहुत बड़ा घाव। ये बताइए कहाँ का ये बच्चा अपने हक के लिए लड़ रहा है, रो रहा है, पढ़ाई कर रहा है और ये भी सब कुछ सहने को मिलेगा उसको, तो ये कैसे चलेगा इस देश का काम। और यूथ की बड़ी बुरी हालत है, देखिए कपड़ा फटा हुआ। सर, हम प्रोटेस्ट के लिए आए थे, आराम से शांति से हम आंदोलन के लिए जा रहे थे, लेकिन वो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। मैं तो थोड़ा सा गिर गया था, बच के भाग गया, लेकिन मेरे चार फ्रेंड को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया, उनको पीटा गया और उनको कहा गया तुमको यहाँ से भगा दो वरना तुम्हारा करियर चौपट कर देंगे, तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। अब हम बताओ हमारा ऐसे करियर चौपट कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। डंडा देने लगे थे सर, ये एक रैली थी, ये शांतिपूर्वक एक रैली थी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के। सर, यहाँ पे जितने भी भाई हमारे खड़े हैं ये सिर्फ हमारा सहयोग कर रहे थे, हमारा सपोर्ट कर रहे थे। सर, यहाँ पर ये वुमेन एम्पावरमेंट सिर्फ हम लोगों ने एक रोजगार के लिए, एक वुमेन की, एक महिला के हक के लिए लड़ाई रखी थी। सर, महिला पुलिस नहीं थी उसके और महिला को पकड़ा जा रहा है। हमारे साथ में अपशब्द का प्रयोग डंडे मार रहे हैं, अपशब्द का प्रयोग कैसे कर सकते, बल्कि महिला दिवस के दिन, महिला दिवस में डंडे मारे जा रहे हैं, गालियां दी जा रही हैं। सीता सावित्री के देश में महिला का ये का किसी ने सोचा नहीं था। मोदी सरकार वहाँ कर रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका राजस्थान में। सर, लड़कियाँ पैर पड़ रही है हमारी वजह से, हमारे भाइयों को मत मारो बस इसीलिए। एक मिनट, जहाँ राजस्थान की सिटिंग सीएम खुद लेडीज है और दूसरी ओर बोल रही है महिला सशक्तिकरण को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ये देखिए महिला सशक्तिकरण कैसे बढ़ावा है, कैसे बढ़ावा है। ये था यहाँ का जयपुर का कैंपस जो एसएससी के इतना आक्रोश बच्चों के अंदर भरा हुआ है जिसको रोक पाना नामुमकिन है, और ये अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी का भीख मांग नहीं रहे किसी से, ये सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए ये बस सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इनको न्याय मिले, सारा सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो, भ्रष्टाचार खत्म हो पूरा। और यही हमारी भ्रष्टाचार बंद करो।